हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। लोगों को लगता है कि 2 घंटे की पॉडकास्ट कौन सुनेगा, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि 2 घंटे की पॉडकास्ट हम कर सके, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मेक दिस पॉडकास्ट हैपन फॉर अ व्हाइल। एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ द जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान इज हियर विद अस, सारा बिलाल। हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन। नो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन। और ये बहुत आइडियल टाइम है क्योंकि आप को लगता है कि लोग नहीं सुनते, लेकिन अभी 3 घंटे की हमने जो लास्ट पॉडकास्ट की है उसमें वी गॉट इनटू अ रियल डिबेट अबाउट कैपिटल पनिशमेंट, सो आई थिंक दैट्स अ गुड स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट। हाँ, सो अभी वो उस्मान मिर्जा वाला जो केस हुआ था, एंड मैं अगर रिफ्लेक्ट करूं, मैं खुद पॉडकास्ट के लिए रिफ्लेक्ट करता हूं, मे बी वाज द रॉन्ग टाइम टू हैव दिस डिबेट बिकॉज वुमेन वर टॉकिंग अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस एंड दे वर कमिंग फ्रॉम प्लेस ऑफ एंगर। तो अगर एक जज्बात है उनके कि आई डोंट केयर ये रेट्रीब्यूशन है क्या है, आई वॉन्ट टू सी दिस एसहोल हैंग्ड, हाउ डज वन रिस्पॉन्ड टू दैट? इट्स अ वेरी वैलिड व्यू, राइट? आई वुड नेवर इनवैलिडेट द व्यू ऑफ एनीबॉडी रियली, जो के हु हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्राइम और हु हैज विटनेस्ड अ हॉरिफिक क्राइम। एंड आई थिंक ये जो केस था, इसकी वीडियो देखने से, मैंने तो खैर नहीं देखी, बट जो ख्वातीन ये वीडियो देख रही थी या जो भी इंसान ये वीडियो देखता है, यू फील लाइक यू आर अ विटनेस टू द क्राइम, राइट? दैट डज समथिंग टू यू, राइट? दैट डज समथिंग टू एनीबॉडी। बट इसीलिए दुनिया भर में, हिस्ट्री में, हमारे मजहब में और मजाहब में ये प्रोविजन होती है कि ना विक्टिम और ना परपेट्रेटर कि जिस बात के ऊपर इंसाफ या निजाम चलता है, राइट? निजाम इसीलिए होता है कि आप एक डिस्पैशनेट व्यू ले सके, सिस्टम एक व्यू ले सके कि इस परपेट्रेटर को के लिए कौन सी सजा और कितनी सजा मुनासिब है, और उस सजा जजा को कैलकुलेट करने में जो कैलकुलेशन होती है वो सिर्फ उसके उस वक्त के कॉन्डक्ट पे नहीं होती बट उसकी इंटेंट पे भी होती है। और जब आप jurisprudence or commonwealth jurisprudence or वैसे भी आप jurisprudence पढ़ें तो उसके अंदर आप देखते हो कि increasingly दुनिया भर की jurisprudence में intent सिर्फ उस मौके के intent के ऊपर नहीं अब होता, it also constitutes leading up to that moment, right? So it might be कि ठीक है, आपने किया ये act, ये निहायत brutal और बहुत एक ब्रूटल एक्ट आपने किया, बट वॉट इज द रिक्वायर्ड पनिशमेंट, वॉट इज द फेयर पनिशमेंट, वॉट इज द रेट्रीब्यूशन, वॉट वुड बी रिस्टोरेटिव, वॉट वुड जस्टिस डिमांड, दैट कैलिब्रेशन इज शिफ्टिंग, राइट? एंड दैट कैलिब्रेशन सेज ओके, गिल्ट और नॉट गिल्ट इज डिटरमिन्ड एट द पॉइंट, देयर इज अ सेपरेट कैलकुलेशन फॉर दैट, बट देन वॉट इज द अप्रोप्रिएट सेंटेंस, एक अलहदा गुफ्तगु है, एक अलहदा कानून में भी एक अलहदा कैलकुलेशन है, और उस कैलकुलेशन में जो परपेट्रेटर है उसके माजी में जो उसके साथ सलूक हुआ है, जो उसके जो जो वो सलूक लोगों के साथ करता रहा, जो उसके साथ सलूक हुआ, जो उसके दिमागी तवाज़ुन था, इस तरह की तमाम चीजें फैक्टर हैं, राइट? एंड ऑल्सो कि जिस तरह का क्राइम था और जितना वो ब्रूटल क्राइम था, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। सो my answer to that is that jo kanoon hai, because it's developed over hundreds and hundreds of years of human history, uske andar guilt or not guilt ka ek sawal alada sawal hai, and what is the appropriate punishment and sentence ek alada sawal hai. Ye ek bilkul hi tangential discussion ho jayega, but jis tarah bhi Derek Chauvin ka bhi trial hua tha US mein, I'm sorry, kiska? Derek Chauvin ka jo trial hua tha, George Floyd ka, right. I can't breathe the knee wala. उसमें अगर खुदा ना खास्ता कुछ लीगल लकूना भी निकल आता जिसकी वजह से वो इनोसेंट होता, तो स्ट्रीट्स एंड सिटीज वुड हैव बीन बर्न डाउन। तो कुछ केसेस में जब पब्लिक परसेप्शन इतनी हो जाती है कि जी पब्लिक जस्टिस चाहिए, आई थिंक मे बी लीगल रिक्वायरमेंट भी सेकेंड हो जाती है। Maybe it's difficult to make these determinations, and जितना भी हम बोल लें कि वो juries sequester करते हैं, judge को नहीं देखना चाहिए, but public perception is public perception, you can't deny it.
Also, I mean, I've always pushed against like this opinion, right? This ये जो कम कहते हैं justice is blind, उर्दू में आई गेस उसका मुहावरा कुछ और होगा, क्या होगा कि अंधा है justice, right? You know, like justice is blind, right? अगर आप देखें lady justice को हमेशा उसकी आंखों पे पट्टी बंधी थी. You know, I think it's also deaf. We know it's blind because it's color blind. Because इंसाफ सिर्फ you know minorities, racial minorities, गरीब लोगों के ऊपर निजाम जो है कुछ ज्यादा भारी इंसाफ करता है और अमीर लोगों पर दुनिया भर में ये सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम है. सो ये जो तमाम पुराने मुहावरे एंड कन्वेंशनल विजडम्स हैं कि जस्टिस शुड बी ब्लाइंड एंड आई डोंट एग्री विद दैट. यू नो मैं इससे इख्तलाफ करती हूँ बिकॉज जस्टिस शुड नॉट बी ब्लाइंड. ना जजेस अंधे हैं और बहरे हैं गूंगे बहरे हैं, वो इंसान हैं जो उसी सोसाइटी में रहते हैं जिसकी सोसाइटी के अंदर वो इंसाफ के तकाजे कर रहे होते हैं या इंसाफ के फैसले दे रहे होते हैं. एंड टू प्रिटेंड अदरवाइज कि नहीं जी वो एक अलहदा हैं जो पल्पिट पे बैठे हुए हैं, उनकी फैमिलीज नहीं है, उनकी बेटियां नहीं है, बच्चे नहीं है, बीवियां नहीं है, वो इस माशरे में नहीं रहते, उधर से कोई अलग है, इज जस्ट फूलिशनेस. I'd never believed in that. I think कोई भी वकील जो ये दिमाग बना के जाए और अपना केस लड़े is denying a reality. So I just don't agree with any of those things because जिसना आपने कहा कि माशरे में जो भी public sentiment होती है, जो media पे sentiment होती है, जो outrage होती है, या अगर नहीं outrage होती, ये तमाम चीजें अदालत के चार दीवारों में भी conscious होते हैं. लेकिन आपके वकील भी उसी जगह के हैं, आपके जज भी उसी जगह के हैं, आपके शहादत देने वाले भी उसी जगह के. सो आई मीन वही सोसाइटी अपने वही निजाम जो है के जो मेंबर्स हैं वो आके ये केसेस लड़ रहे हैं और कर रहे हैं. सो यू नो टू प्रिटेंड अदरवाइज इज जस्ट फूलिशनेस. सो कैपिटल पनिशमेंट की अगर हम बात करें, आई थिंक पाकिस्तान में तो again ye I pull these figures out of my ass a lot of these times, but I would assume ke most of Pakistan I pull a lot of figures. No, I like it. I assume you watch out cuz you know don't get down that slippery slope with me. yahi to main chahta tha, ye main khud bolta hu taaki logo ko wo ho ke hum bol sakte hain fir wo khul jaye. But Pakistan mein I would assume most people are pro capital punishment. Ye complete assumption out of my dash. I think that's an assumption also because I think मैं कोई भी पोल, फॉर एग्जाम्पल आई रिमेम्बर एपीएस अटैक के बाद गैलप ने कोई पोल किया था एंड यू नो 98% और 90-something ओवर 90% लोग वर इन अग्रीमेंट के कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए. एंड यू नो लोग मुझे पॉलिसी मेकर्स वगैरह हमें ये पोल दिखाते थे कि यू नो मोहतरमा आप क्या बात कर रही हैं, ये देखिए पब्लिक फुल यू नो बिल्कुल पब्लिक सेंटिमेंट इज इन सपोर्ट ऑफ दिस पोजिशन. And my answer to that always was, sir, आप मुझे जरा poll करवाने दें, and I will show you that public sentiment is against this position because, you know, if अगर आप एक uninformed, you know, random question pose कर दें Twitter poll पे, do you believe in, you know, the death penalty? Most people, even in the United States, even in countries where they have banned the death penalty, right? Like Europe ke mumalik ya South America wagaira, udhar bhi aapka public sentiment in response to this question will be in the positive. Ji honi chahiye death. Right? Jin mumalik mein unhone sazae maut khatam kar di. But agar aap kisi bande ko inform kare, public ko inform kare, kahenge ji, do you agree ke ek innocent insaan ko phansi milni chahiye? To what's the obvious answer? No. Right? Do you believe ek aisa insaan जिसको जिसका दिमागी तवाज़ुन इतना खराब है कि उसको पता ही नहीं है कि उसके आगे पीछे क्या हो रहा है और वो कोई क्राइम कमिट करता है, उसको फांसी देनी चाहिए? द मेजॉरिटी विल से नो. डू यू बिलीव कि एक बच्चा, एक कम उम्र कम सन बच्चा जिसको जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ या उसको मारा गया या कुछ और उसने आगे जाके किसी और बच्चे को मार दिया तो उसको फांसी मिलनी चाहिए? लोग कहेंगे नहीं. So, मैं भी वही पोल और सवाल, I mean, पोल के सवाल, I don't really buy these polls at all. I mean, if we set aside these polls, right, what's the argument? अगर हम एक पाकिस्तानी ऑडियंस से बात कर रहे हैं और उनको कन्विंस करना चाह रहे हैं कि यार कैपिटल पनिशमेंट मॉरली गलत है, what's the argument? So, I think the argument, so we don't really say कि कैपिटल पनिशमेंट मॉरली गलत है. I think the moral debate has been
just going on for ages and it doesn't really bring a result, right? I think we should speak practically about it. Does it work? That's the question, right? Jinko aap phansi dete ho, uske do positions hoti hai ki ji, ek to you cannot be rehabilitated, you pose a danger to society. Number three, it should serve as a deterrent effect. Data has shown that all three of these things don't count. It doesn't work. Capital punishment doesn't work on all three of these things. So the question really is not a moral question, it's a practical question, right? And in our society, in Pakistan, the work that Justice Project Pakistan has done has consistently been to demonstrate through data the effectiveness of capital punishment for the crimes and for the people that we are imposing it on in our culture, in our context. Does it work? Right? And we see again and again that it doesn't. That's the debate in our society. I just think the moral question has been, you know, hacked to death. So I had the same debate abhi last podcast ke comment section mein. और मुझे जो रिटॉर्ट मिला वो ये हुआ कि हम पब्लिकली नहीं हैंग करते इसलिए नहीं करता एंड आई वाज लाइक कि दुनिया में कहीं तुमने देखा है होते हुए इट्स लाइक नहीं होगा अगर पब्लिक हैंगिंग्स होंगी तो सब ठीक हो जाएगा सो आई लव दैट क्वेश्चन राइट बिकॉज़ ये सवाल जब 3 साल पहले काफी ज्यादा पब्लिक में उठा था तो इसका हमने रिसर्च करके जवाब दिया था राइट सो लेट्स लुक एट टू कंट्रीज दो ममालिक जो मुसलमान ममालिक जो सबसे ज्यादा पब्लिक हैंगिंग्स करते हैं राइट सऊदी अरेबिया ईरान Saudi Arabia and Iran have been the top wo duniya ke tamam mumalik jo phansiyan dete hain death penalty impose karte hain unme se top 3 executing states consistently pichle 10-15 saal se right always in the top 5 mostly in the top 3 right Iran is usually always number 2 and Saudi Arabia is always in the top 5 usually number 3-4 for 15 years सऊदी अरेबिया में आपका सर कलम किया जाता है ईरान में आपको फांसी पब्लिकली दी जाती है और आपका यू नो दे हैंग द बॉडी फॉर अ कपल ऑफ डेज आपको दिखाते रहते हैं राइट ईरान एग्जीक्यूट्स एन एवरेज ऑफ 800 पीपल 800 से ज्यादा फांसियां हर साल वो देते हैं फॉर मेनी काइंड्स ऑफ क्राइम राइट जिस तरह काफी जराइम जिस तरह ड्रग्स के लिए रेप के लिए यू नेम इट राइट उनके लिए वो देते हैं सऊदी अरेबिया में भी ड्रग्स के लिए जिना के लिए रेप के लिए मर्डर के लिए यू नेम इट वहां पे सर यू नो सरेआम सर कलम किया जाता है अगर उसका डिटरेंट इफेक्ट इतना होता तो फिर ये 15-20-30 सालों से ये ममालिक किनको फांसियां दे रहे हैं किनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं अगर डिटरेंट इफेक्ट होता तो ये फिर टॉप 3 क्या है इनके तो 0 होना चाहिए ना फिर पब्लिकली हैंग कर रहे हैं ना पब्लिकली एग्जीक्यूट कर रहे हैं और धड़ाधड़ पब्लिकली एग्जीक्यूट करें तो फिर ये जराइम हाउ आर दे द वंस के होते जा रहे हैं जराइम होते जा रहे हैं एंड द टॉप लाइक टॉप 3 इन द वर्ल्ड हु दे एग्जीक्यूटिंग इट्स नॉट नॉन पाकिस्तानी इट्स नॉट नॉन सिटीजंस दे एग्जीक्यूट मोर ऑफ देयर ओन सिटीजंस देन एनीबॉडी एल्स राइट एंड दे एग्जीक्यूट फॉरेनर्स इट्स इन सऊदी अरेबिया इट्स मोर सऊदीज And less foreigners, same with Iran. तो किन को फांसियां दे रहे हैं भाई आप डेटा को देखे ना और क्या करें घर भेज दे लाश को डेटा वाली बात करते हैं आई थिंक उसमें एक डिस्क्रिपेंसी ये भी है ना कि क्राइम कितना हो रहा है क्राइम कितना रिपोर्ट हो रहा है A lot of times, जितना रिपोर्ट हो रहा है जरूरी नहीं है कि उतना हो उससे ज्यादा काफी हो रहा होगा सो एनेक्डोटली आई मीन अगेन यू आर ऑल्सो फाइटिंग अगेंस्ट प्रोपेगेंडा अभी बीच में काफी पिक्चर या मीम भी शेयर हो गई थी काफी के जियाउल हक हैंग्ड रेपिस्ट और फिर जियाउल हक के 10 साल में पाकिस्तान में रेप नहीं हुआ मतलब वो हमने प्रूव किया था वो झूठ है बिकॉज़ वो पप्पू मर्डर केस के मर्डर के हैंगिंग के बाद उसके अगले 2 सालों में और उसके 2 माह बाद लाहौर में ही एक और बच्चे का मर्डर हुआ था यू नो रेप एंड मर्डर दैट्स अ टोटल फैलेसी वी हैव प्रूव दैट पब्लिक हैंगिंग स्टैटिस्टिक्स And the Pappu murder case statistics for the next 10 years of Zia's time with tamam statistics on my website. Ye bhi jhoot hai. Ye actually factually incorrect hai. Even beyond that, the Zia laws also made it harder for somebody to go and, I mean, just the public perception. Absolutely. Aap jab kehte hain ki nahi hua, ek aurat jaakar ab kuch keh nahi sakti us bare mein. वो लेदा बात है you're absolutely right. लेकिन सबसे पहले आई जस्ट लाइक टू से कि ये इम्प्रेशन ये एक बहुत बड़े सहाफी ने काफी यू नो रेप्यूटेबल सहाफी ने
ये बात की थी, ये गलत बात बासी तो नहीं थे यूजुअली, factually, you said वैसे I'm not gonna say who it was, but said reputable, factually, so it can't incorrect, be incorrect बात है. We went through 10 years of records. अखबारों में उस जमाने में हम we went through every single अखबार. And you see it again and again. And by the way, आपने फिर देखा था इमरान अली जो कि जैनब का किलर था, जब उसकी फांसी हुई, उससे ज्यादा अपार्ट फ्रॉम टेलीविजिंग दैट फांसी, उससे ज्यादा द केस वाज द स्पीडीएस्ट केस आई हैव एवर विटनेस इन माय लाइफ, फ्रॉम लाइक यू नो फ्रॉम द सेशंस कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक 3-4 माह में खत्म हो गया. फिर उसकी फांसी वाज यू नो पब्लिसाइज्ड टू नो एक्सटेंट. उसके अगले दिन केपी में बच्चे का बलात्कार और उसका कत्ल हुआ अगले दिन. और अब तो 4 साल आज गुजर गए, एंड वी नो कि उन जैसे जराइम में कोई कमी हुई है, कोई कमी नहीं हुई, ठीक है ना. तो अब आई मीन दिस इट्स अ डिस्क, इट्स अ फंडामेंटल डिस्कनेक्ट. अगर आप कहते हो कि आप देखें, मैं इस जगह पे काम करती हूँ, तो मैं इस मौजू पे काम करती हूँ, तो माई ओपिनियन एंड माई इंटरप्रिटेशन माई बी डिफरेंट. लेकिन एक ऐसा बंदा जो कहता है डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो नहीं काम करती, डजंट सर्व एनी पर्पस, डजंट वर्क, और एक ऐसा बंदा जो कहता है जी डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, हमारा इख्तलाफ हो, लेकिन हमारे एक बात पे वी अग्री, विच इज के अगर कोई जुर्म हुआ है तो उसका ठीक बंदा जिसने उस जुर्म को क्या कहते हैं मुजरिम, ठीक मुजरिम को पकड़ना चाहिए और उसको सजा होनी चाहिए. मैं ये नहीं कह रही कि उनको बाहर आप उनके ऊपर फूल निचावर करें और यू नो उनको चाय पिलाएं, राइट. इस बात पे तो हम मुत्तफिक हैं, राइट. सो इन दैट सेंस, और ताकि जो बंदा या जो सोसाइटी में जुर्म है वो कम हो, राइट. आपने जुर्म किया, आपको सजा होनी चाहिए, आपको सोसाइटी से रिमूव कर दे जब तक आप ठीक ना हो, ताकि सोसाइटी भी सेफ रहे और आपको भी थोड़ा बहुत सबक सिखाया जाए कि आप इतना नहीं कर सकते, राइट. इट डजंट वर्क. अगर आप चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं और आप चाहते हैं कि बच्चे महफूज हो और उनके ऊपर जिंसी तशद्दुद ना हो, या ये जो स्कर्ज है हमारी सोसाइटी में सेक्सुअल ऑफेंसेस का, या औरतों को हमने सेफ रखना ही करें, यू नो मैं आपसे मुत्तफिक हूँ इस बात पे. मैं भी वही चाहती हूँ, मेरी भी 2 बेटियां, मैं नहीं चाहती कि उनके साथ कोई ज्यादती करे या वो अगवा हो या इस तरह. बट आई नो कि जितने लोगों मर्जी को आप पकड़ के हैंग कर लेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ना मेरी बच्चियां ज्यादा सेफ हो, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट किस चीज से हमारी बच्चियां सेफ, वो आप बात करें ना. इजी रिलीज के ऊपर भी फांसी डाल दो, फर्क तो कोई नहीं पड़ा, right? So I find that to be a disingenuous position. I find that I will call them out morally. You are not interested in solving the problem if you refuse to look at the data. You are not, and don't come and tell me that you care about making the society better. You don't. Because if you did, 5 saal ka data aapke paas hai. Come and talk to me about what can be done. Apart from it, let's actually solve it. Don't come and tell me ke ji bas फांसी देना है and that's enough. That hasn't worked. आप लोगों ने कर लिया पिछले 5 साल, it didn't work. तो आप जब कहती हैं disingenuous, I think yeah. that is bang on. असल में जब आप hashtag करते हैं ना, and usually violence एक masculine trait समझा जाता है, ये hang the rapist वाले trends भी mostly मर्दी कर रहे होते हैं. I think it comes from a place of look at this monster. हम सारे अच्छे हैं, ये जानवर हमारी सोसाइटी में कहीं से आ गया. इवन ये जो एक नैरेटिव दिया जाता है, ये कौन लोग हैं, ये मॉन्स्टर्स हैं, तो इंसान ही नहीं है. वी डोंट लुक इन द मिरर कि नहीं, आपने जो सोसाइटी बनाई है ये ही होगा. सो यू नॉट गोना चेंज एनीथिंग व्हेन इट कम्स टू रेप कल्चर, यू आर नॉट गोना फिक्स एनी ऑफ दैट. लेट्स जस्ट हैंग दिस पर्सन एंड बी डन विद इट एंड अज्यूम एवरीबॉडी सेफ. या बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल. बड़ा अच्छा, किसी ने फिलोसॉफिकल सवाल भी पूछा है, कोई मरना चाहे तो फिर क्या मसला है. अगर कोई बोले नहीं मुझे मरना है, मुझे उम्र कैद नहीं चाहिए, एक्चुअली उम्र कैद इज टॉर्चर. लेकिन हमारे कानून में जो है उम्र कैद विदाउट पैरोल वाला तो चक्कर ही नहीं है. उम्र कैद मींस 25 साल और ड्यूरेशंस डाल के आपको 15-16 सालों में आप निकल सकते हो, व्हिच आई डोंट थिंक इज राइट. उम्र कैद विदाउट पैरोल यानी कि उम्र कैद जब तक आप मर नहीं जाते इज आल्सो रॉन्ग. आई डोंट बिलीव इन दैट ईदर बिकॉज अगेन बाकी ममालिक में बाकी माशरों में ये एक्सपेरिमेंट हो चुकी हुई है एंड दे फाउंड दैट इट एक्चुअली इज वेरी एक्सपेंसिव एंड इट अमाउंट्स टू टॉर्चर एंड इट वायलेट्स इस्लामिक इंजंक्शंस एज़ वेल बिकॉज इस्लाम आपको रेस्टिट्यूशन की तरफ लेके आता है, राइट. इस्लाम आपको मर्सी की तरफ लेके आता है. इस्लाम
हमेशा कहते हैं कि हर इंसान में बदलने की और बेहतरी की ability है. अगर there's this beautiful ayat, अब मुझे उसका नाम नहीं याद, but it's one of my favorites. और मैं अपनी बेटी को इस्लाम याद पढ़ा रही थी उसके exam के लिए, तो I came across it and I loved it. जिसके अंदर कहा हुआ है कि हर रात भी एक sinner अगर माफी मांगे, दिल से माफी मांगे और ये वादा करे कि मैं, ये नियत रखे कि मैं कल सुबह उठ के अपने आप को बदलूंगा और दिल से खुदा से माफी मांगे, खुदा उसको माफ करता है. यू नो, आई फंडामेंटली बिलीव इन दैट. आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल. आई थिंक ये चीजें हम भूल जाते हैं अपने मजहब की या किसी भी मजहब की, एंड देन वी फोकस ऑन अदर थिंग्स. सो अगर कोई बंदा कहे कि मैं मरना चाहता हूँ और उम्र कैद नहीं गुजारना चाहता, आई थिंक यू हैव टू लुक एट हाउ horrific, traumatic jail is and what that means. You know, and what have we created that the most basic instinct in a human being is ki main wo bardasht nahi kar sakta, I'd rather end my life. Number two, it's most likely aisa banda jiska dimaghi tawazun durust nahi, right? There's bahut sare aise ishwas bhi hain jo ki jail mein nahi hai लेकिन वो अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं, तो हम उनको हमेशा इसी तरह ट्रीट करते हैं कि उनको साइकियाट्रिक हेल्प चाहिए, उनको मैसिव डिप्रेशन है, सो व्हाई वुड वी ट्रीट अ प्रिजनर एनी डिफरेंट, राइट? मेरे थोड़े व्यूज डिफरेंट है सुसाइड पे. आई थिंक प्लीज बताइए, लेट्स टॉक अबाउट. आई थिंक एवरीबॉडी हैज अ राइट टू लाइफ. आई डोंट थिंक द अजम्पशन दैट इफ समबडी वांट्स टू किल देमसेल्व्स उसको साइकियाट्रिक हेल्प की जरूरत है. You could make, I think, if a prisoner wants to kill themselves, because even in this situation, आप जो उम्र कैद जिस तरह डिस्क्राइब कर रही हैं, might be a rational discussion. इसकी बिल्कुल बात नहीं होती, but हैं stats और data about prison suicides in Pakistan. You know, there are, there should be inquests, but they're not disclosed. So those records exist, because jail में जो कुछ भी होता है वो record किया जाता है हमेशा. So हैं वो records हैं, लेकिन वो share नहीं किए जाते. Again, like I said, Bahir, for example, what's that movement called when you're terminally ill? And you euthanasia. Want to euthanasia, right? So, main euthanasia ko support karti hu. I think agar aap, you know, agar aap chahte ho apni zindagi, agar aap bimar ho, terminally ill ho, aur apni zindagi end karna chahte ho, to aapka haq hai. You have a right over your own life. However, this is how bad life is in Asia. Ke youth in Asia ka naam hai marne ke liye. Youth in Asia jo hai, wo chahti hai sirf ki hum mar jaye. Oh, that's terrible. But makes me really sad for youth in Asia. I thought you were like, I feel really sad if that's the pun you make. Like, I feel. No, really I feel really bad for the youth in Asia, because I think maybe to some extent that's true. But again, you know, jin mamalik mein unhone ye practice rakhi hui hai, they've really struggled with how to regulate it and to ensure that you're not giving somebody that out that suffers from a manic depression, right? Or somebody jiski waqai koi psychiatric problem hai and they're not being treated properly, and because of the lack of treatment, that's what they feel, right? That it is truly somebody who is conscious and able to make that decision, right? That's the problem, or that's the challenge with this practice. Jab aap qaid mein logo ko dekhte hain, to I'm sorry, I think that you owe a higher duty to the people that are in prison. And most likely they want to end their life because they don't, that possibility ki hum sari umar qaid mein guzarenge. And you know, jail mein, I mean, jail is hell on earth, yeah. Right? It's not restorative. There's nothing about this that is aimed at being reformative. It is hell on earth. In every prison, in every country in the world, it is hell on earth. And you know, somebody saying, I want to end my life is them saying, I can't be in this hell anymore. And I think that's on the state. That's on the state. You can't just let people check out like that. It was your job to make sure that you reformed them. And if people want to check out because they're being raped or they're being abused or they're being, you know, all of that, and they can't take it anymore, you don't get, I don't think the state gets an out on that. So, I think kisi ne ye bhi pucha tha ki why so much leniency towards criminal. Wo logo ke liye mushkil hota hai to have sympathy
फॉर प्रिजनर्स. एक कैलस आर्ग्यूमेंट ये भी होती है कि स्टेट क्यों इतने अपनी इकोनॉमिक रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है, अगर इस इंसान को उम्र कैद करना है, खाना खिलाना है, उस जेल सेल में उसको जगह देनी है, फांसी दे दो, इट्स गुड. स्टेट की इकोनॉमिक रिसोर्सेज कम हो जाती है. एक्चुअली नहीं कम होती, बिकॉज फांसी भी देना इज नॉट लेस एक्सपेंसिव. सो यू नो यू थिंक आप लोगों के जो जेल का इनटेक रेट है राइट, वो कम नहीं हो रहा. आपके पास 33 जुर्म है जिसमें आपको सजाए मौत मिल सकती है पाकिस्तान में. Right? आपकी जो सेशंस कोर्ट्स हैं आर ऑन एन एवरेज ईयरली रेट सेंटेंसिंग 1% टू डेथ अ ईयर, सॉरी अ डे. सो आपका सिस्टम, आप जितने मर्जी लोगों को टांगो. आई रिमेम्बर मीटिंग एन ऑफिशियल, काफी सीनियर ऑफिशियल इन पंजाब जब मॉरेटोरियम लिफ्ट हुआ था. एंड जाहिर बात है पूरे मुल्क में you know everybody was reeling from the APS attack and how horrific it was. Aur usane ki like you know emotional response public ka bahut zyada tha, and I think that to some extent and obviously sari duniya mein isi tarah humesha hota hai, the death penalty is always political. So the sabse pehla jo you know step announced kiya gaya after the APS attack was phansi you know moratorium lift kiya ja raha hai. Within 24 hours sabse pehla decision ye tha. And because of bloodlust or wo retribution wale. So jab hum Punjab ke wo hukumat se baat kar rahe the to wo jo very senior bureaucrat jab unse milenge ke ji does it matter ke aap, I was making the argument ke jo tamam log anti terrorism court se aapne kaha hai ke sabse pehle unko wo phansi de rahe the ke they are not people who are belonging to terrorist organizations ya jinki kisi bhi dehshatgardi ki tanzeem ya dehshatgardi ke kisi bhi jurm ke sath koi bhi nexus ho. So they said, we don't care. And I said, लेकिन आप कितने लोगों को टांगे? कहते हैं जितने को होगा वो टांगते जाएंगे. And I said, but दलित लोगों को टांगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. I mean, that's, you know, that's what they were talking about. और उन्होंने बड़े फखर से बात की थी. So I said, लेकिन आपके पास बैकलॉग इतने लोगों का, हम मोहतरमा हम पता नहीं क्या कहते कितने हम फट्टे लगाएंगे, हम एक्स्ट्रा फट्टे लगाएंगे, हम दिन रात लोगों को टांगे. I said, वो तो आपका कानून. So again, these arguments, these utilitarian arguments are not, these arguments are not even utilitarian, right? They're couched in utilitarian language, but they're not actually utilitarian. At the end of the day, it all just comes down to bloodlust and perpetuating the cycle of violence. And also public perception, right? So even the state moratorium hatati hai right after APS, perception wahi de rahe na ki iske karne se we'll prevent another APS. And hum to abhi ek individuals ki baat kar rahe hain, but there was also some carpet bombing after APS. Yeah. So, yeah. How many innocent lives were lost in that? Aur aap APS ke walidain, jinke bacche halak hue, aap unse puche ki wo kya chahte hain? Wo to khud unko nahi mila justice ab tak, unko silence kiya jata hai. That's what I'm saying. To ye jo phansi inhone barkarar ki hai versus jo retribution for those people and what justice looked like for the people jinke actual harm hua. Yes, I'm sure as us as Pakistanis, you know, hame takleef hui hai, lekin hame unse zyada takleef nahi ho sakti jinke actually bacche mare. Aap unse to puche wo kya chahte hain. I'm sure wo kahenge ki ji jo aapne 513 banda 530 banda tanga hai, has nothing to do with them, neither do they care. Do you genuinely feel people care at all? So even abhi hum capital punishment ki baat kar rahe hain, इतने इनकाउंटर होते हैं where people are like, हाँ ठीक है वो justice system में जाता फंसता. And ये legit military courts के time भी argument की गई है कि यार हम terrorists पकड़ते हैं, courts जो है वो फिर वो उसको फंसा देते हैं, टाइम लगता है, तो कौन पड़े इसमें, अच्छा है ना वो इनकाउंटर में मार दिया हमने. Actually it's not, I first of all I genuinely believe कि किसी भी इंसान से अगर आप बात करें and you tell them the facts and the figures, और आप उनको जिन लोगों को फांसियां दी जा रही है उनकी कहानी सुनाए, तो इंसान इंसान होता है, इंसान में इंसानियत हर इंसान में होती है. आप सिर्फ ये पोजीशंस लेते हैं व्हेन यू डोंट नो, राइट? और आपको एक जस्ट ऑन अ वेरी सरफेस लेवल आपको कुछ बताया जाता है प्रोपेगेंडा और आप फिर कहते हो हाँ इसको, यू नो. बट मैं हमेशा अपने वालिदैन की मिसाल खुद देती हूँ कि यू नो मेरे वालिदैन काफी यू नो कट्टर मुसलमान है और बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन दे बिलीव इन कैपिटल पनिशमेंट. वो हमेशा मुझे ये कहते हैं कि यू नो दे बिलीव
कि सजा होनी चाहिए, बट दे डोंट बिलीव कि मेरे जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उन सारों के मेरे वालिदैन यू नो कहते हैं उनको नहीं फांसी होनी चाहिए, बड़े सख्त नाइंसाफी भाई क्यों, व्हाई इज दैट, बिकॉज उनकी कहानियां उनके केसेस में जो खराबियां हुई उनकी जो जर्नी थी उससे उसको वो जानते हैं, उनकी वो स्टोरीज उनसे आगाह है, एंड दैट्स द डिफरेंस राइट। सो अगर मेरे वालिदैन ये मान सकते हैं और किसी और के साथ भी जिंदगी में जब भी हम बैठे हैं या किसी से भी हमने बात की है, दे विल ऑल स्विच दैट वे। सो यू नो ये दिस पब्लिक रिएक्शन इज जस्ट पार्टली बेस्ड ऑन अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड अगेन तमाम ममालिक दिस इज डिलिबरेट राइट, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान, जेलें कितने लोग किसी भी मुल्क में कितनी लोग आम पब्लिक के मेंबर्स किसी भी जेल में गए नहीं जाते, दे मेक इट वेरी डिफिकल्ट, हम वकील है हमारे लिए बहुत मुश्किल है जेल में जाना राइट अपने क्लाइंट को मिलने, बेशक मैं पाकिस्तान में हूँ बेशक मैं अमरीका में हूँ बेशक मैं कहीं और हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट खप एंड इट्स दे मेक इट वेरी डिफिकल्ट राइट। सो दैट्स बाय डिजाइन because it's all it's political experience, kuch hua hai chalo ji inko zara jail mein dal dete bhul jaye sare right, but iske baad we don't have to look at it, we don't have to think about it right, so it's by design to kind of you know I think individual level pe empathy karna zara aasan hoti hai ki yaar shahzad ke sath galat hua hai shahzad aapke samne tanga jayega and you're like nahi बट अगर हम हमारी हिस्ट्री देखें कि हम कहते हैं कि जी अब तालिबान अब तो खैर वापस हमारे दोस्त और भाई बन गए हैं, बट नॉर्थ में जिस तरह के ऑपरेशंस हुए आईडीपीस के साथ जो हुआ, इट्स नॉट लाइक देयर इज एनी पब्लिक मूवमेंट फॉर जस्टिस, वो लोग खुद रोते जा रहे हैं। अगर हम कराची की बात करें, मोस्ट ऑफ कराची एंड आई लिव इन कराची एंड आई टॉक टू देयर इज अ पब्लिक मूवमेंट, आई थिंक पीपल फ्रॉम दैट एरिया देमसेल्फ्स, पीपल फ्रॉम दैट एरिया पीपल हु वर अफेक्टेड पीटीएम वगैरह। अब कराची की हम बात करें, एमक्यूएम पे ऑपरेशंस हुए, उसमें काफी ज्यादतियां भी हुई, मोस्ट ऑफ कराची इज वेरी हैप्पी कि यार वो कराची आपने क्लीन आउट कर दिया। बहरिया टाउन की अगर हम बात करें, यस वो लोग अब तक हैं। इस्लामाबाद की बात कर ले, मतलब इस्लामाबाद में जो लोग जिनके घर तोड़े गए थे इस्लामाबाद बनने के लिए, इज देयर एनीबॉडी इन इस्लामाबाद राइट नाउ अपार्ट फ्रॉम दोस फैमिलीज हु केयर्स? I think the problem is that I think humna we view things, you're absolutely right, I don't need to dis what you're saying at all, aap jo keh rahe ho wo theek keh rahe ho, but I think agar hum har cheez ko as a monolith, as a response, public response, hum as a monolith lena, to then we become so overwhelmed and everything will seem so dark right, lekin aapne jin jo misal what is the plural of misal, masail is the plural, masla is the singular, misal to issue hai na, example misal होल तो वो खुश है कि जी एमक्यूएम को मारा जा रहा है, बट देन इफ यू लुक एट द एरियाज इन विच MQM has support or maybe doesn't have support, there are people that are supporting the fact or are against the fact ki inko aap sarko pe ja ke aap encounters mein nahi maar sakte right, aap history mein bhi dekho to kisi bhi for example you know jab bhi koi foreign dignitaries aate hain ya hamare se poochte hain ki ji aap bataye hame as human rights activists pakistan ki jo human rights masail hai, and you know wo jab sawal karte hain to sometimes I always am the one that has to push back against it and say don't ask me an overly simple generalized question right, I'm not going to give you that answer, I don't go to Germany and say could you tell me about your Nazi problem or your white supremacist problem, that's the stupidest question and it's you know what 100 years too late that I'm asking you that right, so if I genuinely care about understanding the context then I will ask a more nuanced question right, so don't talk to me about Pakistan's Taliban problem or radicalization problem, that means nothing right, if you look more closely har sube mein you will see movements resisting suppressive authority and that authority is also not a monolith, theek hai na, it's not like har jagah army kuch kar rahi hai, kahi jagah pe
लोकल गवर्नमेंट कर रही है, कई जगह पे फ्यूडल्स कर रहे हैं, कई जगह पे यू नो देयर इज डिफरेंट एक्टर्स राइट. सो आई रिफ्यूज टू लुक एट एनी सिचुएशन इन अ मोनोलिथ, वरना मैं घर बैठ जाऊं मैं तो अपने आप को खुद अपने आप को कत्ल कर दूं. आई मीन द प्रॉब्लम्स वुड सीम सो इनसर्माउंटेबल, बट स्ट्रेटजी डिमांड्स एन अंडरस्टैंडिंग एंड होप डिमांड्स that you look at something in its context and you find your solution there, and you'll always find light there also, Shehzad, and you'll find hope. थैंक यू, मेरी थेरेपी हो गई है इन बातों से. बट मेरी मिसालें देने का मकसद ये था कि वो जो आप लेजिस्लेटर की भी बात कर रहे थे, द प्लेस दे कम फ्रॉम इज कि जी अगर ऑब्वियसली इस तरह ट्रॉली प्रॉब्लम्स हाइपोथेटिकल से दुनिया नहीं चलती, बट अगर ब्रॉडर सेंस में उनकी मेंटालिटी ये है कि यार चार इनोसेंट लोगों को फांसी भी लग गई, लेकिन 10 सही लोगों को लग गई और जो हमारा क्राइम रेट थोड़ा ड्रॉप हो गया, देयर लाइक नेट पॉजिटिव. ठीक है, इंडिविजुअल स्टोरी आप बताएंगे हाँ ये गलत है, बट कुछ गलत करना पड़ रहा है कि जी पब्लिक पॉलिसी पर पब्लिक परसेप्शन बेहतर हो रहा है, हमारा वोट बैंक प्रोटेक्ट हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ देम पब्लिक पॉलिसी दिस इज वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम. Absolutely, but that's the job of politicians and people in power, right? People seeking power, that's what they always want to do is simplify. All over the world, that's what they do. This is why we say that the death penalty is very political, right? It's never actually about that, it's political. You saw, for example, Trump jab nikal raha tha, right? Haar gaya tha election. But he sped up the federal death, he sped up federal executions, jo saalo saal America mein federal executions. Unne jaate jaate koi 6-7 bandon ko, you know, aise hi latka diya. For no reason, right? So it's always political. It's every time it's always political. But the thing is, it's our job as people who work on this issue and to educate the public and to hold them to account, right? And to push back against this narrative. And jahan pe people in power or systems of power would like to anonymize and, you know, make it as a that aapne kaha jitna hisab karte hain ki 10 ठीक टांगे चार ना टांग, तो हमारी जॉब होती है और हम उसको काउंटर इसी तरह करते हैं कि हम पब्लिक में उन चार लोगों की कहानी सुनाते हैं, उन चार लोगों की जानों की अहमियत क्या थी, right? And that's where human beings respond, and that's where the outrage comes back and pushes against this movement to anonymize. It's interesting कि अगेन मैं अगर पब्लिक परसेप्शन की बात करूं कि वो शायद प्रिजनर सिंपैथी इतनी नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि अगेन पब्लिक परसेप्शन कोई पोल्स नहीं लिए, सबको लगता है कि पाकिस्तान में रॉन्गफुल कन्विक्शन होती हैं. तो जब आपको लगता है और आपको पता है कि रॉन्गफुल कन्विक्शन होती हैं, सब आर लाइक हाँ वो मेरे दोस्त गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर को जेल में डाल दिया, किसी ने किसी को पैसे दे दिए, सबको ये चीजें सारी पता है, येट यू डोंट हैव एब्सोल्युटली. आई बिजनेस देयर वाज अ रियली इंटरेस्टिंग एक लॉयर थे जो अमेरिका से आए हुए थे, ही वाज टूरिंग पाकिस्तान विद अस. बहुत ज्यादा वो डेथ पेनल्टी का काम करते थे टेक्सास में, सो वी वर डूइंग लाइक अ लॉ स्कूल यू नो काइंड ऑफ स्पीकिंग टूर विद हिम. तो उन्होंने मुझे एक दफा नहीं एक्चुअली ड्यूरिंग वन ऑफ हिज टॉक्स उन्होंने इतने मजे की बात की ना, आई ऑलवेज यू नो इट्स वन ऑफ दोस मोमेंट्स व्हेन आई एम लाइक व्हाई डिडंट आई थिंक ऑफ दैट. ही एक्चुअली सेड टू अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स, ही सेड यू नो मैं इस मुल्क में आया हूं एंड आई हैव बीन हियर फॉर लाइक 10-15 डेज, और दिस इज लाइक अ कपल ऑफ इयर्स अगो, मेनी इयर्स अगो, 7-8 साल पुरानी बात है. और यहाँ पे बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होती है और इतनी गर्मी है, और जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि लोड शेडिंग क्यों हो रही है वगैरह, अ पार्ट ऑफ द थिंग आई सी इज मिसट्रस्ट इन द गवर्नमेंट, सो पीपल डोंट गिव टैक्सेस, वो अपने टैक्सेस नहीं देते बिकॉज़ उनको हुकूमत पे एतबार नहीं है कि हुकूमत उनके टैक्सेस जो है वो सही जगह पे लगाएगी. लेकिन यहाँ के लोग चैरिटी बहुत देते हैं. तो आप एक ऐसे मुल्क में रहते हो जहाँ पे आपको एतबार नहीं है कि आपका जो निजाम है या इंतजामिया है वो आपके पैसे यू नो लोड शेडिंग ठीक कर देगी, लेकिन आपको ये इस बात पे पूरा एतबार है कि समथिंग एज कॉम्प्लिकेटेड इज कि हूज गिल्टी हूज नॉट गिल्टी वो ठीक कर लेते हैं, वो ठीक से बात. हाउ कैन दैट बी राइट? इट्स एन ऑक्सीमोरॉन. यू डोंट ट्रस्ट योर गवर्नमेंट इनफ टू पे टैक्सेस or to solve your electricity problem, but you think they'll get right, like who's guilty and who's innocent and who deserves to die and doesn't die, you know, which I thought was a very interesting way of... See, wrongful like, convictions, I'm sure it's everything combined, lekin zyada kya system ka ineptitude hai, or is it just people in power get away with shit? Look, aaj tak dunya mein koi aisa system design hi nahi hua in criminal justice, jisme galti nahi hoti. Right? And that is the reason that the majority of the ممالک نے death penalty ختم کی ہے
उन्होंने एट द एंड उन्होंने ये इवैल्यूएशन किया कि इट्स नॉट वर्थ इट, व्हिच बाय द वे इज व्हाट आवर रिलीजन सेज, राइट? इट्स बेटर टू लेट 100 गिल्टी गो फ्री देन टू लूज वन इनोसेंट लाइफ. एंड रिलीजन मेक्स इट एब्सोल्युटली क्लियर व्हाट द यू नो व्हाट द कैलकुलेशन शुड बी. आई गिव यू अमेरिका के एग्जाम्पल, मैं आपको मिसाल देती हूँ. अमेरिका में डेथ पेनल्टी खत्म की गई थी, उसको जब वापस लाया गया था इन द मिडल ऑफ द लास्ट सेंचुरी, उन्होंने अपना पूरा एक नया निजाम बनाया स्पेसिफिकली सो कि वो डेथ पेनल्टी इम्पोज कर सके, कैपिटल पनिशमेंट इम्पोज कर सके और उसमें गलती ना हो. सो दे मेड द करंट सिस्टम दैट यू सी in the United States is a result of this machination, right? Ki unhone specially designed kiya. Ab us current system ke 70 saalon ke baad ya 50 saal agar, you know, kitne saalon ke baad jo data aaya hai shows ki they get it wrong all out, right? And you know sare, by the way, it's not the Europeans, you know, the death penalty sabse pehle khatam ki thi, it was Latin America. So it's not the white people that ended the death penalty. People closer to who we are. वो तमाम societies यही माशर यही कहते हैं कि it's not कोई system ऐसा design नहीं हुआ जिसमें गलती ना हो. And when you make a mistake and take an innocent life, that is not worth it. That is not worth it. We'll get there too. आपने क्योंकि Islamic principle की बात की, what's your take on the Raymond Davis loophole कि अगर shouldn't the state be like, नहीं आप अगर माफ भी कर देते हैं दियत ले भी लेते हैं नहीं ये क्राइम अगेंस्ट द स्टेट है. इस्लामिक सिस्टम नो स्टेट के पास है इख्तियार. अंडर द इस्लामिक सिस्टम कई जराइम ऐसे हैं, खासकर जो ताजीर के जराइम हैं जिनके अंदर स्टेट का स्टेक है. स्टेट अगर वो समझौता भी हो जाए, राइट, कॉम्प्रोमाइज भी हो जाए, द स्टेट कैन स्टिल इम्पोज अ पनिशमेंट. दैट्स अ ताजीर क्राइम. सो द स्टेट प्लेड अ रोल इन दैट. ऐसा नहीं है कि हमारी स्टेट के हाथ बंधे हुए थे. सो यू नो दिस और पाकिस्तान में ज्यादातर जो ताजीर के क्राइम्स जो डेथ पेनल्टी भी इम्पोज होती है वो किसास में नहीं होती, वो सिर्फ ताजीर में होती है. सो अगेन द स्टेट हैज अ रोल टू प्ले. बट आई लाइक देखिए आई अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन दैट मोस्ट पीपल हैव विद द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, राइट, के अमीर लोग दबाव डाल के गरीब लोगों के साथ जाती भी करते हैं और फिर माफी भी मांगते हैं. बट एक्चुअली अगर आप इस प्रोविजन को इसके इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्रोविजंस यू नो दैट इज एवर एग्जिस्टेड. और जो गोरों का भी अब निज़ाम है और उनका भी कानून है वो एक्चुअली थक गया पनिशमेंट दे दे देखे एंड दे आर नाउ कमिंग टूवर्ड्स इट. दे कॉल इट रिस्टोरेटिव जस्टिस, राइट, एंड इज एक्चुअली कमिंग टूवर्ड्स दिस सिस्टम. जो तरह के केसेस मैं करती हूँ, I'm not defending rich people because rich people don't get the death penalty. So, you know, मुझे कोई आके कहे कि आप एक्स बंदे का केस क्यों नहीं करती, उसको भी तो सजाए मौत हुई है और वो किसी बड़े वडेरे का बेटा. मैं कहती हूँ जी वो उनके पास बहुत वो बहुत आला से आला वकील कर सकते हैं जो मेरे से ज्यादा जानते हैं, तो उनको नहीं होगी सजाए मौत, आप फिक्र ना करें. अगर उनको सेशन कोर्ट में भी होगी तो यू नो उनका वकील इतने अच्छे होंगे, दे कैन अफोर्ड द बेस्ट. जो मेरे से बहुत बेहतरीन वकील है, मेरे उस्ताद और उनके भी उस्ताद हैं, वो ठीक होंगे, उनको बांसी नहीं होगी. सो मैं सिर्फ इसलिए गरीब लोगों को करती हूँ बिकॉज दे डोंट हैव दैट चांस, राइट. और जब आप उनके केसेस करते हो और आप वहां पे देखते हो तो माफी देना छोटी बात नहीं है. एंड आई कैन टेल यू कि मेरी 12 साल इस तरह के केसेस करते हुए मैंने शायद एक दफा देखा है कि किसी ने माफ किया. इट्स नॉट इजी, नहीं होता. इट्स नॉट अब्यूज्ड. इट्स बिकॉज दैट प्रोसेस प्रोसेस को उर्दू में क्या कहते हैं, जरिया. जरिया कुड बी या जिसकी वो रास्ता जिसके थ्रू आप इस अंजाम पे पहुंचते हो, माफी के अंजाम पे पहुंचते हो, नहायत मुश्किल तकलीफ दे रास्ता है जो कि हर इंसान नहीं कर सकता. इसीलिए हमारे मजहब में कहा हुआ है कि जो माफ करता है उससे बुलंद कोई नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड इट डजंट हैपन इजीली. अगर किसी ने किसी के बच्चे को या अजीज को मारा हो तो आप इस तरह नहीं कह सकते कि बस जी माफ किया, पैसे दो माफ किया. इट्स नॉट ईजी. जब आप करते हो तो द इफेक्ट दैट इट हैज ऑन सोसाइटी, द इफेक्ट दैट इट हैज
to transform the mujrim, the effect that it has to transform the victim and his pain is phenomenal. It's, again, principally, philosophically, yes, but unfortunately, misuse bahut zyada hota hai, especially... Again, ameer aur ghareeb ke darmiyan. Haan. Very few times does that happen when aapke paas equal tabke ke hote hain. And there's ways to protect against that. But I absolutely support having that principle there. I absolutely support having that principle there. It is... It must be there. It should be there. It is the way forward. Lekin, I mean, ye jo abuse, ek to kabakat ameeron ki wajah se, itni achhi cheezein jo hain hamari history mein, hamare nizam mein jo hamesha, you know, badh jati hai. So, you know, I mean, don't let them rip this from us as well. I think aap jab power ki baat kar rahe the aur kafi logon ne ye pucha ki criminal justice system kya waqai itna bura hai, asal masle kya hain. Mera ek bahut brief legal career tha, uske baad maine apni LLB degree jala di. But it's, if you are a top lawyer, aap vakil ki baat kar, aap powerful insano ki baat kar rahi hain, agar aap ek namwar vakil bhi hain to aap jo lower court mein aate hain, judge khada ho jata hai ki are sir aapko aane ki kya zarurat thi, and the lawyer is teaching the law to certain judges. Yeah. To, काश मेरे साथ तो कभी इस तरह नहीं हुआ. आई थिंक 60 सालों के भी होंगे तो इस तरह नहीं होना, लेकिन फिर भी दैट माइट हैव टू डू विद मी बीइंग अ वुमन. बट यू नो, शहज़ाद, दैट्स नॉट एलियन टू आवर सोसाइटी, राइट? आप देखें अमेरिका में, राइट, जहां जहां आपके पास अमीर लोग हैं जो टॉप वकील्स करते हैं, आप ओजे सिम्पसन को देखें, राइट? और ही हैड अ ड्रीम, ग्लव डिडंट फिट, सारा, द ग्लव डिडंट फिट, राइट? I'm sorry, the glove didn't fit because there was a dream team of lawyers, right? Abhi aap dekhe Bill Cosby ka case, right? He got off on a valid technicality, but it took some of the best, most expensive lawyers, right? So again, you know, your day in court, your chance of getting justice, aapko insaaf milne ka jo vaada hai, is as good as directly proportional to the fees that you pay to your lawyer or to a good lawyer or an access to many good lawyers. तो जहाँ कानून ही अनजस्ट हो, व्हाट इज द लॉयर्स जॉब? ये किसी ने पूछा था कि इफ द लॉ इज अनजस्ट, व्हाट डज द लॉयर डू? सो आई डोंट थिंक द लॉ इज स्टार्टेड. आई मीन, आई वेंट टू अ लॉ स्कूल इन व्हिच दैट लिटरली मेड माय प्रोफेसर्स थ्रो अप एंड वांट टू किल मी, यू नो, बिकॉज़ देयर इज दिस रिडिकुलस थ्योरी कॉल्ड लीगल पॉजिटिविज्म, व्हिच मींस कि द लॉ इज व्हाट इज रिटन डाउन. आई मीन, frankly, the law is not what is written down. The law is an evolving, living, breathing thing, social contract that shifts. And it is the job of a good lawyer, a human rights lawyer, to make sure that it you know, the arc of justice swings towards the right direction. Nothing is final in the law except death, I guess. And it's it's our job to make it better, and it does respond, it does get better. You just have to keep trying and keep bringing intelligent kind of challenges, and keep educating the people around you, keep building public opinion in favor of it, and eventually the law responds. That's why I love the law. I couldn't bear to do something like freaking tax law or contract. I mean, it's you know, this is why I love this. I mean I love the kind of law that I practice and the kind of law that we practice at JPP, because we push it and we tweak it, and then you have a moment of magic. I think aapne jis tarah context ki baat ki thi, wo Pakistan mein is a multi-head hydra jisse ladna padta hai. You're not just fighting in court, you're also fighting in the Senate, you're also fighting in the National Assembly, you're also fighting in the court of public opinion. Aap law bhi reform kar rahe hain saath saath, aap court mein bhi lad rahe hain saath saath. So that's what the human rights lawyers do, right? That's exactly what we do. You know? So aaj jo Sherry ne aaj, I think unhone tweet kiya hai, but shayad ek do din pehle hua tha, about decriminalizing torture, and you've been talking about that for a while. So are you happy that kuch to progress aa rahi hai? I'm very happy because it was a unanimous vote, which is, you know, just amazing. But I'm not going to be happy until the National Assembly passes it. And I think that I really hope, meri umeed hai ki jo spirit Senate, jis spirit se ye bill Senate se, you know, approve hua hai, wohi spirit bipartisanship, multi-partisanship ki spirit se ye National Assembly mein bhi kabool hoga. Especially, khaskar kyunki you saw ke it wasn't just
Senator Rahman, I mean, obviously it was her bill, she tabled it. Lekin it was Dr. Mazari as well who reached across in committee, you know, or unhone support kiya us bill. I mean, this is what you want from your lawmakers, right? You know, is bill ka maksad kya hai ki ek aam Pakistani shahri ki jaan o maal ki tahaffuz, right? I mean, it's such a basic thing. Or kaun law maker hai, kaun politician hai jo khud jiske upar tashaddud nahi hua at some point, ya unki party mein logon ke upar, jab aap chhode aam shahri pe unke upar khud hamare politicians ke upar tashaddud hua, right? So I mean, it's so basic. And you know, jo aaj ki hukumat hai, jo Prime Minister Imran Khan ka, you know, ka vaada tha in his inaugural speech as well as unki jo election ke campaign ke baad, it was police reform and accountability, right? So this is accountability. So I'm cautious, but mujhe umeed hai ki ye spirit jo hai National Assembly mein bhi, you will see inshallah members of National Assembly just saying, you know, this is the very least they can do for their constituents. So in terms of least that they can do, agar aap US mein bhi dekhen, legislation exist karti hai, but bhi police brutality itni zyada hai. यहाँ पर तो अभी आप लेजिस्लेशन की बात करें, there isn't good legislation there. I'm sorry, the United States even is a terrible example. Just ask you some other example. Even, they're the worst. even if good legislation existed, even अगर अब उन्होंने पुलिस बॉडी कैमरास लगा दिए, they go missing, वो ऑफ हो जाते हैं, तो आप जितना भी कर लें, so in terms of our police, जो उनको आदत है, आप उनसे बात करें, ये anecdotal है, वो टीवी आते हैं कि ये तो छितर मारने की है, ये तो उनको आदत है, so वो culture of torture जो बना हुआ है, A, how do we change that? Okay. Or B, what do you even say to those police officers? Okay, so again, तमाम police अफसरान जो हैं are not in favor of torture, right? Police the not all men कर दिया आपने इसको. हाँ जी. Not all men कर दिया आपने argument को. तमाम police अफसरान, is that? No, you're right. I'm just saying it's the not all police officers. So, yeah, not all men, right? So. So not all police officers. In fact, you know, a lot of the really good senior police officers are against it and have been speaking out against it for a very long time. Because from a practical level, unko pata hai, it doesn't work, right? Agar, if you are interested as law enforcement, you want ke bhi aapki society mein jurm kam ho, to jisko aap litter maroge, torture karoge, ulta tangoge, तो वो तो कुछ भी किसी भी जुर्म का तकाजा कर लेगा. वो कहेगा जी हाँ मैं बकरी भी हूँ, मैंने ज़ियालों को भी मारा, मैंने सलमान तासीर को भी कतल किया, मैंने तमाम चीजें की, राइट? बिकॉज आप मेरे आप नाखून निकाले हैं, तो मैं तो आपको हर चीज का मैं तकाजा कर दू, राइट? सो दे नो कि इवन एज अ लॉ एनफोर्समेंट इन्वेस्टिगेटिव टूल ये इट्स नॉट यूजफुल, राइट? नंबर टू, आप ठीक, आप दुरुस्त फरमाए कि एक कानून से पूरा कल्चर नहीं बदल जाता, लेकिन अगेन विदाउट दिस कानून जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो, राइट? इट्स अ नॉन स्टार्टर. मैं वकील हूँ, आई हैव वर्क्ड ऑन दिस इश्यू फॉर 12 इयर्स, ठीक है? मेरी और मैं कोई प्राइवेट केसेस नहीं लेती, मेरा लिटरली काम ये था पिछले 12 साल के लिए, मैं टॉर्चर वाले केसेस पुलिस के खिलाफ, अगर कोई विक्टिम है तो मैं उनके लिए कानून के तहत मैं रिड्रेस करूँ. इट इज इम्पॉसिबल under this law, under our current system, without this law, I cannot get accountability for a case of torture. Jitna zyada prove ho jaye ki ji torture hua hai, medical legal bhi ho jaye, utna zyada chance hai ki mera client police ke dabao mein aake compromise kar jaye. Humne National Commission of Human Rights ki ek report nikli hai which looked at 1400 cases from Faisalabad. 10 years later, after we released those figures, ठीक है? उन्होंने जा के उन्हीं में से 300 cases का random sample निकाल के उन cases को trace back किया, उन तमाम cases में compromise हुई थी. There is no redress for victims. It is impossible to litigate this issue. इसीलिए as a beginning, हमें कानून चाहिए that criminalizes it. ताकि कोई इंसान प्रोटेक्टेड हो इन टर्म्स ऑफ अ विक्टिम गेटिंग रिड्रेस, दैट्स इट. देन वी कैन टॉक अबाउट शिफ्टिंग द कल्चर. एंड बाय द वे, दुनिया भर से पाकिस्तान को इस मामले पे एड मिल रही है फॉर द लास्ट 12-15 इयर्स पुलिस ट्रेनिंग वगैरह,
और उस पुलिस ट्रेनिंग का कोई ना कोई असर तो होगा, बट जब तक आप इम्प्यूनिटी रखोगे और अकाउंटेबिलिटी आपकी जीरो होगी, आपका सिस्टम नहीं करेक्ट कर सकता। आप किसी भी, और ये सिर्फ ये नहीं है कि पुलिस दरिंदे हैं, ये है वो है, नॉट एट ऑल, आप किसी भी सिस्टम में, आप किसी घर में जीरो अकाउंटेबिलिटी रखो विद द पीपल इन पावर, दे विल अब्यूज देयर पावर। आप मेरे प्रोफेशन में जीरो अकाउंटेबिलिटी रखो, आप देख लोगे मेरे प्रोफेशन का हश्र क्या, ठीक है ना। आप किसी भी निजाम में इम्प्यूनिटी रखोगे सिस्टम में, तो वो निजाम तबाह हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ। सो हम नहीं कह रहे कि इस कानून से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट वी आर सेइंग इट इज एन इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप, इट हैज टू हैपन। आई थिंक बियॉन्ड द एफिकेसी आर्ग्यूमेंट कभी कभी वेंचफुल भी हो जाते हैं। अभी हमने जिसने टीएलपी देखा, टीएलपी ने पुलिस के साथ काफी तशद्दुद किया, एंड यस प्रिंसिपली पुलिस रेट्रीब्यूशन नहीं करती, जस्टिस करती है, लेकिन वो भी पुलिस ऑफिसर इंसान है ना। जब अपने दोस्तों को मरते हुए देखा और देखा कि टीएलपी ने उनको रोड पे मारा है, तो वो जब उन्होंने प्रोटेस्टर्स पकड़े, तो वो एक वेंजेंस और गुस्सा भी तो है ना। Absolutely. वो नहीं होना चाहिए। I'm sorry, इंतजामिया के पास, the state cannot do that, right? They can't. They are held to a higher. It's not about a perfect world. It's about accountability. I think the problem is the state in that. Now, the state जानबूझकर पॉन्स की तरह पुलिस को यूज कर रही है फॉर अ पॉलिटिकल फैक्शन दैट दे सपोर्ट टैसिटली, वो फिर एक और आर्गुमेंट है उसकी। बट सी दिस इज द डिफरेंस, राइट? द स्टेट हैज अ हायर रिस्पांसिबिलिटी एंड दैट रिस्पांसिबिलिटी इज डिक्टेटेड बाय लॉज, राइट? एंड इट इज रेगुलेटेड। सिटीजंस कैन लूज themselves, दे विल गेट पनिश्ड, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ स्टेट टू रिएक्ट दैट वे। आई नो कि वो इंसान है, दे नॉट रोबोट्स, राइट? So we shouldn't even be using that word. It has all kinds of triggering. Oh, Allah, ये तो हाँ, robots थोड़ी हैं वो, अगर TLP वाले देखेंगे तो वो क्या करेंगे उनके साथ? But the state has a higher responsibility, right? You see that, that's why they have laws regulating it, right? So it's not the same. If somebody says कि जी वो हमने, yeah, it's not the same. It can never be the same. That's why you have a state. That's why, you know, we evolved. Every society evolved from being a tribal kind of a society to having an arbitrator that kind of, you know, deals between them. That, you know, so you can't say that, I'm sorry, the state reacted, because state bhi to banda nahi, but state nahi banda, state is banana is a lot more responsible. Main agar ho gaya na elect, so I think we will be really butting heads, because meri to flaw, I'm like karne do, just my small government. If I get elected, I'll be like, yaar hum kuch nahi kar rahe, jisko jo karna hai, masle masail ho gaye to bata dena. Otherwise, complete freedom. Muslim Muzahid to log aake batate hain, khushiyan laddu baante to nahi aate apne politicians. Nahin, I do think Pakistan hum koshish zarur karte hain, because hamari law enforcement zara kam hai, but state jo abbu ka role karta hai, moral policing karta hai, ke ab aap ghar mein regular policing kar le theek tarah. Haan, regular policing to hoti nahi hai na, but ye TikTok ab hum ban kar denge, is tarah ki jo ye logo ghar mein jaakar cheezein police karte hain. I don't know about the TikTok ban, ke like ab kis baat pe ban hua hai, but I think like again, I'm sorry, Fahashi. Yeah, but I think, I mean, look, it's not gonna last, right? There's just too many people that are using it, and there's too many good lawyers that will challenge it. I really don't think that it would last, frankly. I don't know how much of it. Ban nahi last kiya, TikTok bhi nahi last kiya. Agar kiya bhi, तो आज के बच्चे और आज के, you know, like, are so technologically advanced कि they'll find a way to access it. नहीं, बहुत मुश्किल हो जाते हैं VPN से Tinder इस्तेमाल करना, उसके क्या मसले मसाइल है। मैंने भी ये सोचा था अनबैन कर देंगे, बट नहीं किया। तो Tinder मजी की बात है, Grindr नहीं बैन हुआ, Tinder बैन हुआ हुआ, I don't know what that says about Bumble that. भी बैन हुआ, नहीं नहीं Bumble चल रहा है, मत बताएं। बहुत शादीशुदा मर्द हजरात, हर जगह वहां पे होते हैं। आज ही कोई एक्सपोज हो रहा था, लॉर्ड, या दैट हैपेंस अ लॉट, एंड इट जस्ट गोज टू शो यू, जिस तरह हम बात कर रही थी, इम्प्यूनिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ना हो तो इंसान क्या करे। वो जो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ भी लोगों ने आवाज उठाई, जब वो मर्द, द हेड ऑफ द हाउस, जंगल का शेर आपके परसेप्शन में होता है, वो कुछ भी कर ले। आई मीन, हाउ स्मॉल इज कराची? अगर आपकी बम्बल पे प्रोफाइल है, आपको क्या लगता है कि आपके बीवी तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी? दैट्स व्हाट यू थिंक एट लीस्ट। नहीं कैसे नहीं पहुंचेगी यार, इफ यू आर इन अ सर्टेन सोसाइटी, यू नो दिस, कि वो क्या, वो अपनी तस्वीर कराची लाहौर इस्लामाबाद में, अपना नाम, अपनी तस्वीर, फिर लोगों से
मैं बता रहा हूँ, मैं खुद मैच कर चुका हूँ. इतने लेजी है मर्द, एक तो चीटिंग भी करनी और इतनी लेजीनेस से चीटिंग करनी. और फिर भाई जब पता चला फिर क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट भी करनी है कि यू नो लाइफ गेट्स बोरिंग, आई हैव टू दिस. एंड देन उनसे अगर आप बोले आगे कि तो अपनी बीवी को भी हाथ दे दो, नहीं नहीं उसको कैसे दे दे. या तो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई लाइफ बोरिंग हो जाती है शादी के बाद, तो दोनों करें. शुगर डैडी वाली कोई उनके लिए भी कोई ऐप बनाए ना. एंड बाय द वे आई वाज थिंकिंग जब व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट दिस कि अगर ये बैन भी कर दे सारी एप्स को, तो देन नॉट लोकल पीपल विल मेक एप्स देमसेल्व्स. देखिए ये चीज आप खत्म नहीं कर सकते. सो आई डोंट पैनिक व्हेन देयर इज ओवरट मॉरल पुलिसिंग, बिकॉज़ यू नो पीपल विल फाइंड अ वे. बट वो वेज भी तो कैपिटलिस्ट हो सकते हैं ना. देयर वाज अ टाइम जब parktube.com हमारी जो भी मिनिस्टर थी आईटी की, उनके किसी मियां की थी, और यूट्यूब बैन हो चुका था, और वो उन्होंने parktube अपने घर में खोल दिया था टू मेक मनी ऑफ इट. parktube वो क्या था parktube? ओह राइट, लाइक दैट यूट्यूब, राइट. या व्हेन यूट्यूब वाज बैन्ड फॉर गुड 5 इयर्स, राइट, बहुत ज्यादा. हां राइट, आई रिमेंबर. चला फिर parktube के नहीं, पैसे तो कमा लिए होंगे तो जो भी थी. अब अगेन मैं बिल्कुल भूल गया हूँ, बट आई थिंक किसी फैमिली के जानने वाली की थी. हाँ बना ले मुस्लिम टिंडर, पाकिस्तानी टिंडर. आपके लिए तो बिल्कुल ठीक है, you just said you you want to just what they want to do, no problem. हाँ तो आई वुड आल्सो अलाउ यूट्यूब ना. आई वुड बी लाइक ठीक है, अपने यूट्यूब कंपेटिटर बनाना है, करें कम्पीट, अपना बनाए ऐप जो आपने डालना है. बिकॉज अगेन इट्स पोलिटिकल. टिकटॉक पे जो सोशल क्लास ज्यादातर यूज करती है, ये क्रिंज कंटेंट बना रहे हैं, ये डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जबकि ट्विटर हैज द मोस्ट लिबरल पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू कंटेंट. ट्विटर डजंट सेंसर एनीथिंग. आप वकार यूनिस के लाइक्स देखें तो आपको पता चल जाएगा ट्विटर आपको क्या क्या पोस्ट करने देती है. सो वकार यूनिस इज बिग ऑन ट्विटर. नो नो नो, ही हैड लाइक देयर इज अ पोस्ट अबाउट बिग बूटीज दैट ही हैड लाइक्ड ऑन ट्विटर. बिग बूटीज वकार यूनुस ने गलती से लाइक कर दी थी. इट बिकेम अ बिग थिंग के वकार साहब. आई हैव टू लुक एट दिस. आई यू हैव टू सेंड मी अ लिंक. आई एम लाइक टोटली मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग फन. टॉकिंग अबाउट नथिंग फन, ये बहुत ही नॉन सेक्वेटर है, लेकिन ये बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा था कि रॉन्गफुल कन्विक्शन की अगर हम बात करें, दैट दिस थिंग एग्जिस्ट इन पाकिस्तान कॉल्ड द ब्लास्फेमी लॉ, जहां फर्क भी नहीं पड़ता क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, रॉन्गफुल कन्विक्शन क्या है. आज अभी शुरू करने से पहले मैंने देखा था नया दौर ने पोस्ट किया था कि somebody was on the way to Multan for hearing about blasphemy case and was shot on the way. तो yeah, what's your take on the misuse and the state of the blasphemy law? It's horrific. It's I call them Alice in Wonderland proceedings, because it's not even the law in those courtrooms anymore, because there's such an element of fear and ridiculousness that it's like you've, like, you know, your Alice has fallen down the hole and now there's a queen saying off with your head, and everybody else is, you know, I mean, it's literally the analysis is with Alice in Wonderland. But my issue right now is that, you know, jitna bhi gore aake is baat pe baat karte hain, utna is cause ko damage karte hain jo publicly aake baat karte hain. Because this issue has become polarized and we've lost too much space in terms of pushing back. And I don't see any lawmaker in Pakistan for the next couple of years even moving an inch. It's politically toxic. It's political suicide. I mean, you know, people come out on the streets for this because obviously there's an agenda and there's a movement and, you know, for all of these other reasons. I think that the state has a huge responsibility to ensure that a trial is fair. But it also has a huge responsibility to think intelligently about how they can do that, right? Because it's not that our system is full of everybody that shares those values. It's because our system and everybody that we've tasked with upholding justice in that scenario is not protected. And so it's impossible
So you see, for example, the Supreme Court consistently applying the law fairly, justly, you know, actually looking at the evidence. And below that, it being virtually non-existent because, you know, there is no protection for anybody, neither the person taking part, neither complainants, neither lawyers, nor the judges. And unless you solve that security that they need, then you will not see the system respond. Yeah, I think case of Rashid Rehman is one of the popular ones. There's a million cases. I mean, I'm sorry, not, no, there's not a million cases. I mean, there's numerous incidences in which, you know, that very basic, you're not, aapka sessions court ka judge kabhi will not stick their neck out, even if there is no evidence. Right, no witness will come forward and have their name on the record, you know, absolving the witness, even though, you know, so you can't have justice where everybody is left to the mob and unprotected. I'm not saying for the record, you know, for Maulvi Hazrat, agar shayad ye dekh rahe ho, main ye nahi keh rahi, either way, main sirf keh rahi hu ki aap bhi chahte hain ki jo blasphemer hai, you know, according to the law, treat ho. Main bhi chahti hu ki jo blasphemer hai, according to the law, uski trial honi chahiye with all the protections in the law. We're not talking about changing the law or not changing the law right now. We're just talking about the law taking its course in a fair manner, right? Even that's not happening right now because there is no protection for anybody. I mean, you're saying you're on the same page as them, but because unke bhi bayan aate hain ki. I'm not, it's illegal under Islam. I mean, we've done. हाँ, राफत मज़हर का एक बहुत उस पे अच्छा काम है कि हनफी स्कूल में है ही नहीं, but even किसी स्कूल में नहीं है, by the way, we're the only ones who do this. So I don't know when we became more religious than Saudi Arabia or Iran or Indonesia or Malaysia or whatever. I mean, no other Muslim mumalik has this punishment for that. Because again, Islam says आप माफी देने के उनको मौका. So it's as simple as that. So even, you know, I'm just saying right now, for the sake of argument, for the sake of being able to talk to people on the other side. But right. I don't think they'll even come there. You're moving six inches that's to get where they are. But unke yeah, but we're talking past each other, Shahzad. And that's a huge problem. We are talking past each other constantly. And I'll give you an example of how I think it's really important to not be able to talk past each other. Right? The Supreme Court upheld Qadri's death sentence. Right? We oppose the fact that Qadri was given the death sentence. We oppose his death penalty 100%. He is a life that is as valuable as any other life. And we oppose the fact that the state chose to hang him. And if we had had the chance, we would have represented him not getting the death penalty. And we would have fought for him just as much. Right? We are consistent in our principles. And that's important. We would love to speak to the other side to just say, look, you have to begin somewhere, right? We stick to our principles no matter what, right? But you have, I mean, it's been what, like 12 years since Salman Taseer was assassinated, and we've had this problem before that, but we take that as an inflection point, right? When something shifted. We have to do something differently. Do you see it getting better? Right? I don't see it getting better. Right? So can we please take stock and figure out how we can do something differently? Because us, you know, screaming at them, calling them, you know, basket of deplorables, to use Hillary Clinton's term, is not getting us any space. Me saying, I need to figure out how to talk to you, talk some sense into you, actually begins with me not insulting them. No matter what I think about their views, or who I think they are, or how wrong, morally, ethically, whatever. But come on, like, please, anybody, give me any idea that's different, that actually has a chance of working. I think wo monolith wali jo baat hai, wo them or they bhi to monolith nahi hai. And Rafat Mazhar kaam bahut acha hai ispe. And uski, abhi we did a podcast, we've done a couple of podcasts with him. Aur usme bhi hum yahi baat kar rahe the ki yaar, Mumtaz Qadri ke baare mein aapke jo bhi opinions hain, uska jo bachcha hai, उसके लिए आपके सिर्फ एम्पथी और सिंपथी हो सकती है, वो उतना ही हमारा बच्चा है जितना कोई और है। I'm sorry, मेरे मुमताज जी कादरी के लिए भी सिंपथी as a human being, because I'm he didn't want to die, right? And he got caught up in a movement, and I think
he wasn't represented adequately either, because it wasn't about him. As much as the state wanted to make an example of him, I think he was also offered up as a lamb by the special interest groups that were representing him, you know? And I mean, I'm fascinated by who this person is. I'm fascinated by, I think if anybody, and I've been trying to talk to writers to really write about this person's story, right? From the time that he was born to the time that his life ended. And I think you'd see so many interesting things about our society if you actually just follow who this was and how did this happen. I think it tells the story of this ये issue. ये सारे shades मैं आपको एक story में मुझे नजर आते हैं. जिस तरह हैंक की बात, हम वो हैंक के रेपिस्ट वाली बात कर रहे थे, मुमताज कादरी ये डीमन आ गया है, दुनिया का सबसे बुरा आदमी, इसको हैंक कर दो सोसाइटी बेहतर हो जाएगी. इट्स लेजी कि हमने कुछ फिक्स नहीं करना फंडामेंटली. मैं जिस स्कूल गया था, एक कराची का प्रेस्टिजियस ए लेवल स्कूल है, लाइसेंस स्कूल, टॉप 2 ए लेवल स्कूल में से होगा, मेरी क्लास में मेरे साथ रोज एक बच्चा बैठता था, हम लोग दोस्त थे. आई वेंट टू लम्स, ही वेंट टू IBA. Years later, we lost touch. Years later, I got the news that he went into a bus, made a video, and shot smileys. This is a kid that I went to school with. Main stand-up comedian ban gaya. Main ye zindagi guzar raha hu. Lyceum mein us pata nahi kya kya kahenge. What happened to him? What happened to him that we both, at least at some point in life, our paths cross, ek starting point same tha, aur IBA aapko nahi lagega ki koi Daesh ka madrasa hai jahan pe extremism padhaya jata hai, but he was there. So these monsters ke ji kahin se aate hain bankar, nahi, aapki society mein ke hi log hain. And agar hum phir wrongful convictions ki baat kare, baat pe unko ye bhi kaha gaya ki along with all the criminal mastermind, he killed Ismailis, he wrote against Shias and somehow also shot Sabine because unhone Valentine's Day celebrate kiya tha. To agar hum pylon ki baat karte hain ki agar koi ek terrorist mil bhi jaye to hum char aur itna kuch kar liya char aur case bhi laga dete hain ki acha ye ho. And I also know somebody again pata nahi kaun se school mein gaya tha jidhar is tarah ke log the, but he was in jail for another crime and they tried pinning a completely different crime on that person and took a lot of money for that. So yeah, actually I watched a really good movie yesterday. My husband made me watch it. I don't like really watching criminal movies, you know, about crime and punishment. And uska naam nahi mujhe yaad hai, but it's one of my favorite actors, Sam Rockwell, and it was about the Atlanta Games bombing that took place. And it was so good. I'm just gonna figure out the name. It's on Netflix. It came out like a year or two ago. And it's about this case of Jewel, Richard Jewel. And it's about him and his lawyer. It was this guy who stopped this bomb attack. But then American Nightmare, The Ballad of Richard Jewel? Yes. It is phenomenal. It's like the textbook of wrongful convictions and what the FBI was doing and stuff. And I was just sitting there going like, oh my God, this happened. And you know, like, it's just, we keep, always when we talk about Pakistan, agar hum tashaddud ki baat kar rahe ho ya hum panji ki baat kar rahe ho ya hum kisi bhi saza ki baat kar rahe ho ya kisi bhi jurm ki baat kar rahe ho, we love to think ke bhai hamare maashra politicians intizamiya hum sare darinde hain, right? Ek dusre ko sare hum darinde aur brutal aur hum to bahe kharab aur inke upar, you know, sakhti, but you know, like, we are no different, and our trajectory in the scope of human history is no different than any other countries, right? Because your human experience essentially is always the same, right? It's just very similar. And I loved watching this movie because it's exactly what you said, talked about. Pylon. And it's a really, really good film. I cannot recommend it enough. And it's really entertaining. You will not get bored. And it's not like जो कोर्टरूम ड्रामा होता है कि बस मिलॉर्ड ये वाला चक्कर नहीं है उसके अंदर. मैं तो आई एम अ ट्रू, द ओनली थिंग आई वॉच इज ट्रू क्राइम. आई डोंट नो हाउ मेनी ट्रू क्राइम डॉक्स यू वॉच, बट आई एम अ सकर फॉर ट्रू क्राइम डॉक्स. आई जस्ट टू डिप्रेसिंग फॉर मी, बट दिस मूवी इज ग्रेट. हैव यू सीन मेकिंग मर्डर? गॉट दोस पॉडकास्ट, राइट? जो मेकिंग मर्डर पॉडकास्ट, तो सीरियल है ना वो अदनान वाली. हां, वो भी नहीं मैंने सुनी बेचारी, बट आई हर्ड अबाउट इट. आई नो इट वाज अ गेम चेंजर. वो बहुत अच्छी थी. यू शुड प्रोड्यूस इट. आई शुड प्रोड्यूस अ
true crime podcast for you. But making I would love for you to do that, because we would love to give you stories about that. There's so many good stories In 100% in. Let's do it. We'll use the stories and then usko narrative form mein podcast. But I'm serious. We will do this. And I'm completely serious. You've also not seen Making a Murderer. No, I don't like these. Especially the Netflix series, because I feel like it just glamorizes and feeds into the fear of like, ooh, these are monsters and they kill and blah, blah, blah. And it's not so much about kind of, but I might be wrong. I hate Hollywood. Making a Murderer is a wrongful conviction documentary. Okay. How the entire so he won a case against the police, Milwaukee police station against okay, and then they pinned a crime on him. Unko usko lawsuit dena tha, wrongful conviction, a few million dollars, and then conveniently turns out ho bhi sakta hai, you never know. There's a lot more evidence that's come out. Bahut interesting, both sides. The documentary itself is so mad. Now my husband just opened the door with two of my children peeking out. The shortest podcast we've done, but we would love to have you back again, because I've never had so much fun, I have to say. Really? Yeah, really. Pata nahi chala na, 75 minutes goes again. Now you will listen to some part, but do listen to the Rafat Wali, and I'm serious, let's work on this. Ali and I used to work 100%. Together at the Herald as well. So awesome. It should be mad fun. Thank you so much for coming on, Zahra. It was great talking to you. Thank you so much for being so patient and for doing this. You are really good at your job. You're very good at this. Thank you for making it so interesting. Aren't you glad I burned my law degree? Yes. I think a lot more people should burn I tried burning my law degree, but my husband had framed it and he found it like in the... And he said, "Nahi, nahi, ab tumhara daftar hai. You have to, like, you know, you're a young woman. No one's going to take you seriously. So, apni degree is important. Tum lagao." So, wo urli wahi degree lagi, and I love it. That's what I think about my law degree. I see how your work is decolonial. You're like, main lanat bhejti hu Oxford ki degree par. Ye gore jo hai na. I mean, screw it. Aur jo mere pehle college ki degree hai, which I'm really close to, like, my identity is connected to that college and that degree, which is a history degree. वो मेरी गुम हो गई है. And so I wrote to the college saying, can you give me a degree? They're like, no, we can send you a transcript, but the degree you only get on graduation. Good luck to you. And I was like, okay. So then at some point, I think maybe in 2016 or something, like there's some like professional accolade or something, and the president of the college wrote a letter saying, well done or something like that. So maine wo frame kiya. शायद मेरे अल्मा मैटर का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि लम्स के जो लोग होते हैं उनका बस चले तो वो टी शर्ट पे छाप के हर जगह फेरे ताकि सबको बता सके. But Lums is, I'm not familiar with colleges here, but I am familiar with them for the students that come out, and you know, and I Karachi ke to I'm not familiar at all. I've heard amazing things about these places, but I haven't had the experience of interacting with them. But you know, places like FC College, Lums, Canadian, they really seem very interesting. I mean, I think the students are really kind of, they have a very rich life. I mean, no matter how much you try to put them down, I mean, kids just have life bursting out of them, which is what is so amazing about youth. Maybe we're also interacting with the right ones. Agar wo JPP pe aa rahe hain, to wo already
a little sold on the idea. By the way, a lot of people were asking if they can volunteer, how do they get in touch? We will take as many volunteers as possible. Aap info@jpp pe apna resume bhej de, request bhej de, and our human rights team, our human resources will get back to you. Hamari summer internships I think are closed because we start in like May and then people are on a rotational basis. I would highly recommend in the fall or in the winter or in the spring, apply, even if you want to volunteer for like, you know, 6-7 hours, 10 hours, you know, remotely during the week. That's when we need a lot of help. So, and this is Lahore. Yeah, but you can do it remotely. You don't have to be there in person. Isn't that what the benefit of going work to COVID from has been? Home. Justice. Yeah, you can work from anywhere. And aap se baat karke Pakistan mein mujhe lag raha hai ki wo badi famous saying hai na ki justice delayed is justice denied, but I think in Pakistan justice expedited is also justice denied. It is absolutely justice denied. Justice expedited is absolutely, that should be the mahavra. Yeah, aap use kar sakte hain next time you're at a session being like, I wish I had thought of this. But it was just, there's a great quote I came across recently. I used it in a presentation. Oh, I'm going to mess it up because I always mess up quotes. But it says the course of justice is often that which prevents it, which I love. I think that should be on every court outside. I will pretend I understood it. I will pretend. No, the course of justice is often that which prevents it. So it's that it's the process. And all of the factors within it, right, that feed into the inequality and blah, 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 blah. That whole thing about what we talked about how justice is not blind, it shouldn't be blind, and it shouldn't be deaf, right? It's the course of justice, not the actual process, but the course that justice takes is often the thing that prevents it from being done. Most podcasts ka conclusion yahi hota hai, itni hum deep baaton karne ke baad, that the human element is the most important, so many things. And आप इंसान को इंसान समझें तो बाकी ये फलसफे और positions और principles सीधे हो जाते हैं. Just think of people as human beings. Thank you so much, Sara, for being such a great human being for all the work that you do. And it was great talking to you. And thank you, everybody, for listening. Take care. Bye-bye. Bye.